हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस। बिफोर स्टार्टिंग करंट अफेयर्स एमसीक्यू सेशन ऑफ 8 अगस्त, हम कल के होम असाइनमेंट को पहले डिस्कस करेंगे। आपका कल का क्वेश्चन था, आईएफसी लैंड $250 मिलियन टू होम टू बूस्ट ग्रीन हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया। आईएफसी ने लैंड किया है $250 मिलियन को किनको, ताकि वो बूस्ट कर सके ग्रीन हाउसिंग फाइनेंस को भारत में। आपके ऑप्शन है आईसीआईसीआई, ऑप्शन बी एचडीएफसी लिमिटेड, ऑप्शन सी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एचडीएफसी लिमिटेड, जो इन्वेस्टमेंट आर्म है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन आईएफसी। इसने सैंक्शन किया है $250 मिलियन जो कि इक्विवेलेंट है 1,858 करोड़ का एचडीएफसी लिमिटेड को, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को, ताकि वो इन्हेंस कर सके इनएक्सपेंसिव हाउसिंग फाइनेंस को इंडिया पे, जो उनका थीम है अफोर्डेबल एंड ग्रीन हाउसिंग। उसके अंतर्गत ये जो लोन है ये सपोर्ट करेगा एचडीएफसी लिमिटेड को कि वो ग्रो करे अपने अफोर्डेबल हाउसिंग को और इमर्ज करे एक ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग पोर्टफोलियो के तौर पे, प्रोवाइड करे एक्सेस पीपल को लोअर इनकम के लिए। ये जो लोन होगा वो इंडिया को टारगेट करते हुए तैयार किया गया है, ताकि वो प्रोवाइड कर सके हाउसिंग सबको। हम जानेंगे कुछ फैक्ट को। आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये वन ऑफ द 5th ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक का। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर मख्तार डायोप है, हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी यूएस में है। आईसीआईसीआई इसके सीईओ संदीप बख्शी है, हेडक्वार्टर वडोदरा में है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इसके सीईओ मुकेश अंबानी है, फाउंडर धीरूभाई अंबानी, फाउंड किया गया था 8 मई 1973 को। नाउ लेट्स बिगिन आवर करंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 8 अगस्त। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अटेंड दिस 325th रशियन नेवी डे सेलिब्रेशन फ्रॉम इंडिया साइड। किसने अटेंड किया था जो 325th रशियन नेवी डे सेलिब्रेशन था इंडिया की तरफ से। आपके ऑप्शन है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, ऑप्शन बी एडमायरल करमबीर सिंह, ऑप्शन सी जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एडमायरल करमबीर सिंह, जो इंडियन नेवी के चीफ है एडमायरल करमबीर सिंह, उन्होंने अटेंड किया था 325th रशियन नेवी डे सेलिब्रेशन को, जो कि आपका सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में हुआ था। तो कहां हुआ तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंडियन नेवी का जो स्टील फ्राइगेट है आईएनएस तबार, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस नेवी डे सेलिब्रेशन के दौरान रशिया पे। आईएनएस तबार जो है वो अराइव किया था सेंट पीटर्सबर्ग में एक पार्ट के तौर पर 5 डे गुडविल विजिट के लिए। ये जो दोनों नेवीज थे उन्होंने कंडक्ट किया था नेवल एक्सरसाइज को, ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके टाइज को। ये जो एक्सरसाइज है वो पार्ट है इंडो रशियन नेवल एक्सरसाइज इंद्रा का, जो एंगेजमेंट था उसका मकसद था इन्हेंस करना मैरीटाइम सिक्योरिटी को और कंडक्ट करना कंबाइंड ऑपरेशन को मैरीटाइम थ्रेट के खिलाफ। अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं। तो रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, कैपिटल मॉस्को, करेंसी रशियन रूबेल। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, जिनके बारे में ऑप्शन में मेंशन था, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, और जनरल बिपिन रावत ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, रुद्रेश्वर टेम्पल बिकम इंडिया 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। जो आपका रुद्रेश्वर टेम्पल है वो इंडिया का 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है, ये किस स्टेट में सिचुएटेड है, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तेलंगाना। जो 44th सेशन था वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी का यूनेस्को का, उसमें इंडिया ने नॉमिनेट किया था काकतीया रुद्रेश्वर टेम्पल को, जिसको कि हम रामप्पा टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। ये आपका सिचुएटेड है पलमपेट मुलुगु डिस्ट्रिक्ट वारंगल तेलंगाना पे। इसको इंस्क्राइब किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। ये इंडिया का 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगा और पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगा तेलंगाना का। रुद्रेश्वर टेम्पल जो है उसको प्रपोज किया गया था इंडिया के द्वारा ओनली नॉमिनेशन के तौर पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग के लिए 2019 में। ये जो WHO है ये कंसिस्ट करता है 21 मेंबर्स को, और चाइना जो है वो चेयर कर रहा है इस कमिटी को। काकतीया रुद्रेश्वर टेम्पल जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था 1213 AD के दौरान, जो रीजन था काकतीया एम्पायर रेचाला रुद्र रेड्डी का, उस दौरान में इसको बनाया गया था। इसको रामप्पा टेम्पल के नाम से भी हम जानते हैं। अब हम कुछ फैक्ट को कंसीडर करेंगे। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके डायरेक्टर जनरल ऑड्रे ओजोले है, हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर जो है बसवराज बोम्मई अभी हाल ही में बने हैं, गवर्नर थावरचंद गहलोत है। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव है, गवर्नर डॉक्टर तमिली साई सौंदरजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, TPCODL पार्टनर विथ होम टू फैसिलिटेट ऑनलाइन पेमेंट इन रूरल एरियाज। जो आपका TPCODL है इसने पार्टनरशिप किया है किनके साथ, ताकि वो फैसिलिटेट कर सके ऑनलाइन पेमेंट को रूरल एरियाज में। आपके ऑप्शन है सीएससी, ऑप्शन बी SBI, ऑप्शन सी CAG, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सीएससी, तो टाटा पावर सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है टीपीसीओडीएल। इसने पार्टनरशिप किया है कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी के साथ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत, ताकि वो फैसिलिटेट कर सके ऑनलाइन पेमेंट को इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए रूरल एरियाज में। ये जो कोलेबोरेशन है वो मदद करेगा रूरल कंज्यूमर को कि वो पे करे अपने बिल को ऑनलाइन सीएससी के माध्यम से और विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर पे। टीपीसीओडीएल जो है वो ज्वाइंट वेंचर है टाटा पावर और गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के बीच में। ओडिशा में अराउंड 5800 सीएससी है और वीएलई अभी ऑपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे टीपीसीओडीएल जो है वो सप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को। अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं। टीपीसीओडीएल टाटा पावर सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, इसके सीईओ एम सेन बगम है, हेडक्वार्टर इसका भुवनेश्वर ओडिशा पे है। एसबीआई के चेयरपर्सन दिनेश कुमार खरा है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। एसबीआई को फाउंड किया गया था 1 जुलाई 1955 में। कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है इंडिया का, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था आर्टिकल 148 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। इसको फाउंड किया गया था 1858 में। अपॉइंटर जो होते हैं कैग के वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। इसका टेन्यूर जो है वो 6 ईयर का या अप टू 65 ईयर ऑफ एज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर आयुष बेस्ड इकोनॉमिक अपग्रेडेशन स्कीम देवर नारायण योजना, किस स्टेट के गवर्नमेंट ने तैयार किया है आयुष बेस्ड इकोनॉमिक अपग्रेडेशन स्कीम को, जिसका नाम है देवरायनिया योजना। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने स्टेट किया है स्टेट प्रिपरेशन ऑफ एन आयुष बेस्ड इकोनॉमिक अपग्रेडेशन स्कीम को, जिसका नाम है देवरायन योजना। इसको ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इम्प्रूव करना पीपल के हेल्थ और लाइवलीहुड को ट्राइबल पे आयुर्वेद के माध्यम से। इस स्कीम के अंतर्गत आयुष मेडिसिनल प्लांट को प्लांट किया जाएगा रूरल लेवल पे और हेल्प ग्रुप जो है वो डेवलप करेंगे कंप्लीट वैल्यू चेन प्रोडक्शन का आयुष मेडिसिन के लिए, और इसको प्रमोट किया जाएगा वेलनेस टूरिज्म के तौर पे। इस आयुष एंड टूरिज्म के माध्यम से स्कीम का मकसद होगा कि वो इंक्रीज करें इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भी ट्राइबल एरियाज में। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे। तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर मंगूबाई चंगन भाई पटेल, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है, गवर्नर श्रीमती नंदीबेन पटेल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, गवर्नर कालराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच सिटी बिकम इंडियाज फर्स्ट सिटी टू प्रोवाइड 24/7 ड्रिंकिंग टैप वाटर थ्रू सुजल प्रोजेक्ट, कौन सा सिटी बन गया इंडिया का पहला सिटी जो कि प्रोवाइड करेगा 24/7 ड्रिंकिंग वाटर को सुजल प्रोजेक्ट के अंतर्गत। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है अहमदाबाद, ऑप्शन बी पुरी, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी पुरी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पुरी। जो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, उन्होंने इनोग्रेट किया था सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट को पुरी पे, जो कि कोस्टल सिटी था ओडिशा का, ताकि वो प्रोवाइड करे 24/7 पाइप प्योर ड्रिंकिंग वाटर को। इस लॉन्च से पुरी बन गया पहला सिटी इंडिया का जिसने इम्प्लीमेंट किया ऐसे प्रोजेक्ट को। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत वाटर फाउंटेन जो है इसको डेवलप किया गया 400 लोकेशन में पुरी का, ताकि जो पीपल है पुरी के उनको अवेलेबल कराया जा सके हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर को डायरेक्टली टैप के माध्यम से 24 आवर बेसिस में बिना कोई स्टोरेज और फिल्टर के। ये जो प्रोजेक्ट है वो बेनिफिट करेगा 2.5 लाख सिटीजन को पुरी के और 2 करोड़ टूरिस्ट को जो कि विजिट करते हैं टूरिस्ट प्लेस को हर एक साल। ये जो ड्रिंकिंग वाटर है वो सोर्स है मंगला रिवर के लिए पुरी में। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है, गवर्नर भुवनेश्वर कैपिटल भुवनेश्वर है और गवर्नर गणेशी लाल है। अहमदाबाद जो आपका गुजरात का सिटी है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय भाई रूपानी है, गवर्नर श्री आनंदीबेन पटेल। वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश का सिटी है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है, गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच आईआईटी लॉन्च फर्स्ट कोहर्ट ऑफ स्टार्टअप एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टिगेटर फॉर साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन, किस आईआईटी ने लॉन्च किया पहला कोहर्ट स्टार्टअप और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टिगेटर को साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन के लिए। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए आईआईटी रोपर, ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर। तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब है साइबर सिक्योरिटी का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के, जिनका नाम है C3ISUB हब। उसने लॉन्च किया पहला कोरन जो कि कंप्राइज करता है 13 स्टार्टअप को इंक्यूबेशन के लिए और 25 रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर रिसर्च प्रोग्राम को, ताकि डेवलप किया जा सके और प्रोड्यूस किया जा सके साइबर सिक्योरिटी डोमेन को। ये जो लॉन्च है वो किया गया था एक इवेंट के दौरान। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे। आईआईटी रोपर के डायरेक्टर प्रोफेसर राजीव आहूजा है, आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर अभय कारंदीकर है, आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर प्रोफेसर सुभाषिष चौधरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
सीएससी एंड विच बैंक लॉन्च ओडी फैसिलिटी अप टू ₹10 लाख फॉर स्मॉल रिटेलर। जो सीएससी है इसने किस बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को ₹10 लाख तक का स्मॉल रिटेलर के लिए? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन बी आईसीआईसी बैंक, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक। जो एचडीएफसी बैंक है जो कि लार्जेस्ट प्राइवेट लेंडर है भारत का, उसने कोलैबोरेट किया है कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी के ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड के साथ, जो कि एक स्पेशल पर्पज व्हीकल है जिसको लॉन्च किया गया था एक ओवरड्राफ्ट स्कीम के लिए जिसका नाम है दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम, ताकि वो प्रोवाइड करे फाइनेंशियल असिस्टेंट अप टू ₹10 लाख तक का स्मॉल रिटेलर को। तो दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम जो है वो किस लिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है, वह किस बैंक के साथ ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो एचडीएफसी बैंक के साथ। ठीक है, इसका फीचर्स क्या होगा? तो दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम, इसका एलिजिबिलिटी क्या है? तो जो स्मॉल रिटेलर जो कि ऑपरेट कर रहे होंगे मिनिमम 3 इयर्स से, वो एलिजिबल होंगे इस स्कीम के लिए। ओवरड्राफ्ट लिमिट जो है वो 50,000 से 10 लाख तक का होगा, और जो शॉप जो कि ऑपरेशनल है लेस देन 6 इयर्स है उसका अपर लिमिट जो है ₹7.5 लाख का होगा, और जो कि बिजनेस कर रहा है मोर देन 6 इयर्स है उसका अपर लिमिट 10 लाख तक का होगा। जो सीएससी स्पेशल पर्पज व्हीकल है वो गवर्नमेंट ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी आर्म है जिसको सेटअप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मीटिंग के अंतर्गत कंपनी एक्ट 1956 के माध्यम से, ताकि वो देखे इम्प्लीमेंटेशन सीएससी के स्कीम का। इसके एमडी दिनेश कुमार त्यागी है, एचडीएफसी बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। आईसीआईसी बैंक के सीईओ संदीप बख्शी है, इसका भी हेडक्वार्टर वडोदरा में है। एक्सिस बैंक के सीईओ अमिताभ कांत है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु बिकम्स द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव जीएम गोल्डन राइस फॉर प्रोडक्शन? कौन बन गया वर्ल्ड का पहला कंट्री जिसने अप्रूव कर दिया है जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस के प्रोडक्शन को? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फिलीपींस। जो फिलीपींस है वर्ल्ड का पहला कंट्री बन गया है जिसने अप्रूव कर दिया है जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस को कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस होगा ये मदद करेगा इंक्रीज करने में राइस के प्रोडक्टिविटी को कंट्री पे। इसको डेवलप किया गया है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट पार्टनरशिप के साथ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फिलीपींस राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के। ये जो राइस का वैरायटी है इसको अप्रूव किया गया है फिलीपींस के द्वारा, जो कि इनरिच होगा विटामिन ए प्रीकर्सर बेटा कैरोटीन से, जो कि इसको और ज्यादा न्यूट्रिशनल बना रहा है। ये जो है फिलीपींस में अराउंड 17% चिल्ड्रन जो है जिनका एज 15 है, जिसका एज 5 है, वो डेफिशियंट है विटामिन ए से, इस कारण भी इस राइस में इनोवेशन किया गया है। राइस मदद करेगा कॉम्बैट करने में चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस को, सेव करेगा लाइफ को डेवलपिंग वर्ल्ड का। क्रॉप जैसे कि राइस हो गया, वेट हो गया, सोयाबीन हो गया, अदर फ्रूट और वेजिटेबल्स हो गया, वो नेचुरली अक्यूरिंग है। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे। तो गोल्डन राइस जो था उसको पहली बार कंसीप्ट किया गया था प्रोफेसर इंगो प्रोटेकस के द्वारा और पीटर बियरस के द्वारा लेट 1980 पे। विटामिन ए का इंपॉर्टेंट क्या है? तो जो विटामिन ए है वो इनरिच करेगा राइस को एक एसेंशियल नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट से, और प्रॉपर फंक्शन करने में मदद करेगा इम्यून सिस्टम और विजन के लिए। WHO के अनुसार विटामिन ए डिफिशियंसी के कारण अप्रोक्सीमेटली 5 लाख केसेस जो है चिल्ड्रेन के ब्लाइंडनेस के हर एक साल पाए जाते हैं। फिलीपींस के प्रेसिडेंट रोड्रिगो ड्यूटेरे है, कैपिटल मनीला है, करेंसी फिलीपींस पेसो, जापान के कैपिटल टोक्यो, करेंसी जापानीज येन, प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा, ब्राजील के प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो, कैपिटल ब्रासिला, करेंसी ब्राजीलियन रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लोहम प्लान्स टू सेटअप इंडियाज लार्जेस्ट 3 GWh एलआई आयन बैटरी फैक्ट्री इन विच स्टेट? जो लोहम है उसने प्लान किया कि वो सेटअप करेंगे इंडिया का लार्जेस्ट 3 GWh एलआई आयन बैटरी फैक्ट्री को किस स्टेट में? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। जो लोहम क्लीनटेक जो कि एक लिथियम आयन बैटरी मेकर है और बैटरी रिसाइकलिंग सॉल्यूशन कंपनी है, उसने प्लान किया है कि वो सेटअप करेंगे इंडिया का लार्जेस्ट 3 GWh एलआई आयन मैन्युफैक्चरिंग को और रिसाइकलिंग प्लांट को ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। इसके लिए इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ₹300 करोड़ का 18 मंथ में। ये जो प्लांट होगा वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा एक न्यू रिसाइकलिंग फैसिलिटी के साथ कांडला गुजरात में, जहां पर जो की रॉ मटेरियल जो कि आवश्यक होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए लियोन बैटरी का, लिथियम कोबाल्ट निकल एंड ग्रेफाइट के लिए, उसको तैयार किया जाएगा। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है, गवर्नर श्रीमती नंदीबेन पटेल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत है, गवर्नर कालराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट लॉन्चेस मिशन निर्यातक बनो टू हेल्प लोकल ट्रेडर? किस स्टेट ने लॉन्च किया है मिशन निर्यातक बनो को, ताकि मदद किया जा सके लोकल ट्रेडर का? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान है और राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है, जो कि एपेक्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बॉडी है राजस्थान का, उसने लॉन्च किया एक कैंपेन निर्यातक बनो को, ताकि मदद किया जा सके लोकल ट्रेडर का एक्सपेंड करने में उसके बिजनेसेस को फॉरेन कंट्रीज के साथ।
मिशन निर्यातक बनो जो है इसको प्लान किया गया है 6 स्टेप में। रजिस्टर एंड असिस्ट करेगा ये लोकल ट्रेडर को जो कि एक्सपेंड करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस को फॉरेन कंट्री में। ये कवर करेगा असिस्टेंट लोकल ट्रेडर को ट्रेडिंग, सिक्योर करेगा नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन को, रजिस्ट्रेशन कराएगा इसका राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पास, आपके वो एक्सपोर्ट कर सके ट्रेड ऑपरेशन को। ये जो मिशन है मदद करेगा इंक्रीज करने में टोटल एक्सपोर्ट को राजस्थान का, और इंक्रीज करेगा डॉट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने में राजस्थान में। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे तो राजस्थान का चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत है, गवर्नर कलराज मिश्र, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी। ये क्वेश्चन आपका होम असाइनमेंट का है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च वेब बेस्ड पोर्टल PMCaresForChildren.in? किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है वेब बेस्ड पोर्टल PMCaresForChildren.in को? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर अवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।